हेलो एवरीवन, मैं हूं नीलम और रसीले फ्लेवर में आपका स्वागत है। आज हम ना तो अमृतसरी छोले बनाएंगे, ना कोई दिल्ली वाले छोले बनाएंगे, बल्कि बिल्कुल देसी तरह से देसी छोले बनाएंगे और हर कोई इसको बना सकता है। तो यहाँ पर मैंने छोलों को एक दिन के लिए भिगा दिया है और उसके बाद में एक दिन के लिए मैंने इनको कपड़े में बांध करके रख दिया था, जिससे कि अच्छी तरह से स्प्राउटेड हो गए हैं और बहुत ही हेल्दी हो गए हैं। कुकर में डाल करके इनको चढ़ाना है और इसके साथ ही मैंने एक सफ़ेद कपड़ा लिया है जिसमें मैंने तेज पत्ता और साथ में डाली है लौंग, काली मिर्ची और 2 चम्मच डाल दिया यहाँ पर मैंने चाय पत्ती। उस कपड़े को इस तरह से गांठ बांध करके इसके अंदर रख देंगे ताकि इसका जो मसाला है वो पूरी तरह से इसके अंदर आ जाए, यानी कि इसका फ्लेवर इसके अंदर आ जाएगा। पानी डालेंगे और साथ में डाल देंगे नमक और कुकर की सीटी लगा लेंगे 4-5 और अच्छी तरह से इनको पकने देंगे। तो ये देखिए हमारा कुकर है वो हो चुका है ठंडा और साथ में ये देखिए अच्छी तरह से हमारे छोले पक गए हैं। ये देखिए हाथ से दबाने से आसानी से ये पक रहे हैं और साथ में इसका जो फ्लेवर है मसालों का वो इस पोटली वाली जो मसाला है इसका फ्लेवर आ गया है। इसके बाद में इन चनों को हमें पाव भाजी वाला जो ये दबाने वाला होता है ना, इससे हमको दबा लेना है, दबा दबा करके इसको अच्छे से मैश करना है। एकदम से मैश नहीं करना है, थोड़ा मैश करना है ताकि जो मोटे मोटे छोले हैं ना वो काफ़ी हद तक है वो टूट के इस तरह से टूट जाए। तो इस तरह से हमें मैश कर लेना है ताकि इसका जो टेस्ट है ना बहुत ही अच्छा आएगा मैश छोलों का। उसके बाद में कढ़ाई में मैंने चढ़ा दिया है यहाँ पर सरसों का तेल, 5-6 चम्मच चढ़ाया है। ज़्यादा तेल हम नहीं डालेंगे क्योंकि हम बनाने वाले हैं बिल्कुल हेल्दी छोले। उसके बाद में राई और जीरा डाल देंगे और तड़कने देंगे अच्छी तरह से। उसके बाद में हींग डालेंगे, अच्छे से हींग डालेंगे और उसका टेस्ट है वो इसके अंदर आने देंगे। इसके बाद में मैंने लहसुन को दरदरा कूट लिया है और यहाँ पर अदरक को भी मैंने लंबाई में काट लिए हैं, छोटे छोटे टुकड़े कर दिए हैं, वो इसमें डाल देंगे और एक बार इसको 2-3 सेकंड के लिए चम्मच से मिक्स कर देंगे ताकि इनका जो टेस्ट है वो अच्छी तरह से इसके अंदर आ जाएगा। इसके बाद में मैंने कुछ सब्जियां पहले से चॉप करके रखी है, बारीक चॉप की है मैंने। टमाटर, खीरा, प्याज और हरी मिर्ची यहाँ पर मैंने बारीक चॉप करके रखी है, वो एक तरफ डाल देंगे। और उसके बाद में यहाँ पर मैंने कुछ मसाले लिए हैं, मसालों में गरम मसाला लिया है, छोले मसाला लिया है, धनिया लिया है, हल्दी ली है, मिर्ची ली है और नमक लिया है और उसको मैं तेल की तरफ डालती हूँ। ये देखिए एक तरफ यहाँ पर तेल है जिससे कि मसाले हैं वो उस तेल में अच्छे से पक जाएंगे और उसके बाद में सब्जियों को और मसालों को अच्छी तरह से कर देंगे मिक्स और तब तक पकाएंगे जब तक कि सब्जियों के ऊपर ऑयल ना आ जाए। इस प्रोसेस को करने में कम से कम हमें 5-7 मिनट लगेंगे। फ्लेम को हमें रखना है मीडियम और जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए उसके बाद में हमें इसको ढक देना है एक प्लेट से। तो यहाँ पर देखिए सब्जियाँ अच्छी तरह से पक चुकी है और तेल इसके ऊपर आ चुका है, तो इसका मतलब कि सब्जियाँ हमारी पूरी तरह से पक चुकी है और अब बारी आ गई है छोलों डालने की। तो यहाँ पर जो हमारे स्प्राउटेड जो छोले हैं जो कि हमने फोड़े हैं थोड़े बहुत, उसको इसके अंदर डाल देंगे और उसके बाद में अच्छी तरह से इसको कर देंगे मिक्स। अच्छी तरह से मिक्स करना है और फ्लेम को वैसे ही मीडियम रखना है और छोले थोड़े गाढ़े हैं तो मैंने डाल दिया इसके अंदर पानी। तो बस पानी को अच्छी तरह से बॉईल होने दीजिए और सब्जी को लगातार चलाते रहिए और उसके बाद में 2 बड़े चम्मच यहाँ पर मैंने इमली का पल्प डाल दिया है, तो इससे इसका टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आता है। तो ये वाली प्रोसेस आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, ज़रूर से इनके अंदर इमली का पल्प डालिएगा और उसके बाद में इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और उबाली आने देना है। गाढ़े पतले आप अपने हिसाब से अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हो। तो ये देखिए हमारे मसालेदार शानदार वाले हेल्दी छोले बनके तैयार हो गए हैं। ऊपर से हरी मिर्ची डाल दी है और धनिया पत्ता डाल दीजिए अच्छे से और उसके बाद में हमारी सब्जी बनके तैयार हो गई है। रोटी के साथ खाइए या चावल के साथ खाइए, हर किसी को बहुत ही पसंद आएंगे। रेसिपी अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल पर मैं इसी तरह की रेसिपीज अपलोड करती रहती हूँ, एक बार आप विजिट जरूर करेंगे। बाय बाय।